हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय नीतू फूड ब्लॉग। प्लेट देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेरी कौन सी डिश है। ये है तंदूरी चिकन। देखने में बिल्कुल जिस तरह से रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है और बनाना इतना आसान। मसाले वही हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और टेस्ट रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा। तो इस तरह के पीसेस के आप जो जब भी तंदूरी चिकन बनाएं तो इस तरह के पीसेस के आप चिकन ले लें बड़े साइज़ के। अब उसको अच्छी तरह से धो के और इसमें बीच से चीरा लगा देंगे, जिससे क्या है कि सारे मसाले अंदर तक चले जाते हैं और अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। तो इस तरह मैंने दोनों दो पीस के मैंने चिकन के बनाए थे, इस तरह से चीरा लगा के। अब एक दही जो है इसमें 4 चम्मच के करीब दही, एक कपड़े में, इस तरह का कपड़ा ना हो तो आप रुमाल में भी बांध सकते हैं, इसका पूरी तरह से पानी निचुड़ जाए। तो इसको कम से कम 1 घंटा के लिए रख दें। तो इस तरह से बांध के मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया। 1 घंटे बाद देखिए इसका पूरा पानी निचुड़ गया और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा एकदम दही तैयार हो गया। अब इसको अच्छी तरह से फेंट के अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सॉरी, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब मेरा जो मीट मसाला था वो मिला दिया। आप चिकन मसाला भी मिला सकते हैं। और 1/2 चम्मच जो मसाले वाला चम्मच है गरम मसाला और 2 चम्मच के करीब ऑयल और नमक और थोड़ा सा फूड कलर मिला दिया। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपकी ना मर्जी हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा फूड कलर क्योंकि लुक मुझे रेस्टोरेंट की तरह देना था और टेस्ट भी, लेकिन उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से फेंट के दही के साथ और 1/2 नींबू का रस भी जोड़ दिया। 2 पीस के हिसाब से क्वांटिटी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको जो है अच्छी तरह से जो हमने चीरा लगाए थे उसमें अच्छी तरह से लगा देंगे पूरा मसाला, जितना भी मसाला है आपका पूरा अच्छी तरह से लपेट दें। इस तरह से पूरा मैंने मसाला जो बनाया था तंदूरी मसाला वो मिला दिया। अब इसमें ना मैंने कोई तंदूरी मसाला मिलाया, जो वही घर में आपके नॉर्मल जो आपके घर में अवेलेबल होंगे, जो नॉनवेज खाते हैं मीट मसाला चिकन मसाला सबके घर में होता है या वो 5 रुपये का पाउच मिलता है। अदरक लहसुन का पेस्ट में डालना पहले भूल गई थी उसे मसाले के साथ, तो उसको बाद में मिलाया, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर मिला लें। तो कभी कभी भूल जाते हैं कोई चीज़, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे भी मिला सकते हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे बाद एक फ्राई पैन में ऑयल लेके, कम से कम 4 चम्मच के करीब ऑयल होगा मेरा, तो अब उसको दोनों तरफ से ढक के पकाना है क्योंकि चिकन भी पकना चाहिए। तो इस तरह से 2 पीस मेरे बड़ा, अच्छा खासा बड़ा था मेरा, तो आपका अगर छोटा हो पैन तो 1 पीस डाल दें। अब इसके साथ में जो ढाबे में या रेस्टोरेंट में जो चटपटी सी विनेगर वाली या सिरके वाली प्याज वो मैं बताऊंगी, जब तक हमारा पक रहा है इस तरह लच्छेदार काट के प्याज, और इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी या आप आइस के क्यूब भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी। इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में, चिल्ड पानी डालने के बाद भी फ्रिज में रख दिया। अब एक तरफ इसको बीच में चेक जरूर करते जाएँ, मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने क्योंकि पकना भी चाहिए चिकन को, तो मीडियम फ्लेम पे इसमें कम से कम 5 से 6 मिनट बाद इसको पलटा के दूसरी तरफ भी पका लेंगे, दूसरी तरफ भी ढक के ही पकाएंगे। इस तरह से ढक के मैंने 6-7 मिनट के करीब करीब दूसरी तरफ भी पका लिया। जब तक हमारे प्याज उसमें है, खाने के टाइम उसको थोड़े से मसाले, बिल्कुल उसी तरह से लुक आएगा और उसी तरह से सिरके वाली आपकी प्याज बिल्कुल चटपटी सी, मैं वो भी इसके साथ बताऊँगी। तो इस तरह से मेरे ये दोनों साइड पलटा पलटा के आप पका लें अच्छी तरह से, और उसी का ऑयल जो है ऊपर से डालते रहें, जिससे बहुत अच्छा जूसी एकदम क्रीमी रहता है। तो ऊपर से बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसी चम्मच से ही उससे ऑयल डाल रही हूँ। अभी हमारे लगभग पक गए, इसको फॉक से चेक कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों मिला के कम से कम 15 मिनट लगा पकने में, मीडियम फ्लेम पर है। लेकिन अब इसको जो है इस तरह की आपके पास छलनी हो सेकने के लिए, तो इसमें डायरेक्ट सेकेंगे, जिससे स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और ऊपर से जो हमारे पैन में ऑयल था वो मैं ऊपर से ऑयल डाल रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं। इस तरह करके सब तरफ से सेक ले तो एकदम भुना हुआ जो तंदूर का भुना हुआ टेस्ट आ जाएगा, और ये जैसे जल रही है तो इसकी वजह से एकदम स्मोकी फ्लेवर, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपको
ढाबे वाला या रेस्टोरेंट वाला आपको तंदूरी चिकन मिलेगा। ये इस तरह से हमारे देखिए ऊपर से स्किन पूरी रेड रेड हो गई, अब ये हमारा खाने के लिए रेडी हो गया। अब ये हमारे जो सिरके वाली प्याज है उसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसमें जितने आपकी प्याज हो, जैसे मैंने एक चम्मच के करीब करीब सिरका मिलाया। अब ये अच्छी तरह से मिक्स करके हमारा इस सिरके वाला, इसे ठंडे पानी में डालने से क्या है एकदम क्रंची बने रहते हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं होते। तो ये हमारे रेडी हो गए। इसके साथ में ये देखिए सिरके वाली प्याज और तंदूरी चिकन, और इसके साथ में मैंने हरी चटनी दही के साथ बनाई थी। उसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, दही के साथ पुदीना, धनिया पत्ती और नमक ये मिला के पीस लिया था। तो ये हमारा तंदूरी चिकन एक बार बना के देखिए, जो नॉनवेज के शौकीन हैं ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।